नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा में 60 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त कर दिए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 3,337 मतदाता मतदान केंद्रों पर आज सुबह से ही 7 बजे से मतदान होना शुरू हो गया है, जो शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, IPFT गठबंधन, माकपा, कांग्रेस गठबंधन और साथ ही पूर्वोत्तर राज्य के पूर्वी शाही परिवार के वंशज द्वारा गठित एक क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा है। और साथ ही बता दें कि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूत करने का आग्रह किया है। मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की अपील करता हूं। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में स्थित दफ्तरों पर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग यानी कि IT का सर्वे जारी है और दोनों ऑफिसों में बता दें कि 14 फरवरी को IT सर्वे शुरू हो गई थी। विभाग ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर यह जांच शुरू कर दी है और साथ ही सर्वे के बाद से ही अब तक कंपनी की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा। कंपनी ने अगले नोटिस तक अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है। मुंबई में BBC के सत्ताकुर्ज बता दें कि स्थित दफ्तर पर छापा मारा गया है। मौके पर मौजूद IT अधिकारी बता दें कि अकाउंट्स की जांच की जा रही है। वहीं दिल्ली में BBC के ब्यूरो ऑफिस में सर्वे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक IT अधिकारी ने BBC के साथ एक दस्तावेज शेयर किए हैं। इसमें से बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को 3 दिन तक सर्चिंग करने की अनुमति है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर भी किया है। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि बीती रात के दौरान कुपवाड़ा पुलिस ने इनपुट पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के संयुक्त टीम ने सैदपोरा फॉरवर्ड इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। टीम ने पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले ग्रुप को रोका और इस दौरान घुसपैठ के ढेर भी किए गए हैं। साथ ही बता दें कि इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सत्रह फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बादा के बता दें कि महाराणा प्रताप चौराहे में मूर्ति का अनावरण करेंगे और साथ ही बांदा के कलियजर महोत्सव का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री साथ ही बता दें कि महाराणा प्रताप चौराहे में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कालियजर महोत्सव का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं रात के दिन महाराणा प्रताप चौराहे का सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने शिक्षा विद्यालय BMG इंटर कॉलेज से UP परीक्षा बोर्ड का शुभारंभ किया है। उन्होंने परीक्षार्थियों का तिलक कर और साथ ही गुलाब का फूल देकर उत्साहवर्धन किया है। वहीं बता दें कि यूपी में नकल विहीन परीक्षा कराने का भरोसा दिलाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह पहली पाली में हाई स्कूल के हिंदी विषय के साथ ही परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा मंत्री और साथ ही संभल जिले के चंदौसी विधानसभा सीट से विधायक गुलाब देवी ने अपने शिक्षा विद्यालय
बीएमजी इंटर कॉलेज चंदौली से यूपी बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ किया है। यहां उन्होंने परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर और उन्हें गुलाब का फूल देकर उनका उत्साहवर्धन किया है। साथ ही यही नहीं, गुलाब देवी ने परीक्षार्थियों का मुंह भी मीठा कराया, उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सभी परीक्षार्थियों को न सिर्फ उत्साहवर्धन किया है बल्कि उन्हें लगन के साथ पढ़ाई करने का मूल मंत्र भी देती हुई नजर आई। परीक्षण किया है और मैंने शुभारंभ यहीं से किया है जहां से मेरी पूर्ण शिक्षा दीक्षा हुई है। इस विद्यालय को पूरे प्रदेश में सही प्रकार से परीक्षा हो, पवित्रता से हो, शुचिता पूर्ण हो, पारदर्शिता से हो, इसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। और इस वर्ष 58,85,745 बच्चे जो हैं बैठे, जिसमें हाई स्कूल के 31,16,457 हैं और इंटर के 27,69,258 बच्चे हैं। नकल के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं जो पिछली बार की गई थी, उसमें उसी आधार पर इस बार भी परीक्षा की गई है। इस बार 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में 2 CCTV कैमरे, 12 रिकॉर्डर और राउटर संस्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा परीक्षा अवधि की इस लाइव मॉनिटरिंग वेबसाइट के माध्यम से की जाएगी। रायबरेली में नकल विहीन परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। जिले में कुल 118 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा संचालित होगी। सभी केंद्रों के साथ जोन और साथ ही 20 सेक्टरों में विभाजन किया गया है। प्रत्येक जोन में डिप्टी और साथ ही SP और साथ ही SDM की तैनाती की जाएगी, जबकि सेक्टरों की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्तर पर पुलिस अधिकारियों की रहेगी। सभी केंद्रों का काम कम से कम 4 पुलिसकर्मी, वहां पर सभी केंद्रों पर 4 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। प्रशासन ने इस दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती की है और साथ ही और केंद्रों की हर गतिविधियों पर निगाह रखते हुए CCTV के मदद से हर जगह पर निगाह रखते हुए नजर आएगी। आगामी जो बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है, इसमें हमारे जिले में लगभग 118 परीक्षा केंद्र हैं और 76,000 छात्र इसमें परीक्षा देंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट नामित हैं और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स नामित हैं। सचल दल गठित है, सबकी ब्रीफिंग और ट्रेनिंग की जा चुकी है, सबको स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। केंद्र व्यवस्थापकों की भी ब्रीफिंग की गई है और CCTV मॉनिटरिंग को भी उस पर भी ध्यान दिया जा भी रहा है और सभी व्यवस्थाओं का जायज़ा समय समय पर लिया जा चुका है और हम लोग की पूरी तैयारी है कि बोर्ड परीक्षा कुशलता के साथ संपन्न करा ली जाए। 16 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए जनपद रायबरेली में व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुलिस और प्रशासन कटिबद्ध है। इस संबंध में जनपद रायबरेली में 118 सेंटरों पर बोर्ड की परीक्षाएं होनी हैं। प्रत्येक सेंटर पर कम से कम 4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूरे 118 सेंटर को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है और जिसमें जो जोन के प्रभारी हैं और वो हमारे डिप्टी SP और उप जिलाधिकारी हैं और सेक्टरों पर सब इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं जिनके साथ पर्याप्त फोर्स दिया गया है और ये सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर मिलके भ्रमण करते हुए सभी परीक्षाओं पर केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके साथ साथ जो प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका रखने के लिए प्रत्येक सेंटर पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा की प्रथम पाली के लिए रायबरेली में भी छात्र छात्रा अपने केंद्रों पर समय से पहुंच गए हैं। पहला दिन होने की वजह से छात्र छात्राएं थोड़ी घबराहट में नजर आए हैं। हालांकि ज्यादातर केंद्रों में प्रशासन की मुकम्मल तैयारी के चलते कहीं से किसी तरह की दिक्कत होने की खबर नहीं आई है।
प्रथम पाली सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली का समय 2 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। नकल विहीन परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। जिले में कुल 118 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा संचालित हो रही है। सभी केंद्रों को 7 जोन और साथ ही 20 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में डिप्टी और साथ ही बता दें कि डिप्टी SP और SSP की तैनाती है, और जबकि सेक्टरों की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारियों के होगी। कार्यक्रम हमारे यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, पूरी व्यवस्था ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कोई सुविधा या सुविधा कैसा? नहीं, बच्चे के लिए सुविधा है, लैट्रिन बाथरूम इधर भी है, उधर भी बना हुआ है, और बच्चे का बैठने के लिए बहुत बढ़िया है। नकल वकल को लेकर क्या है? नकल वकल बिल्कुल नहीं। कैमरे वमरे लगे हुए? सब कमरे में यहाँ CC कैमरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चों के एडमिट कार्ड और पंजीकरण चेक किए जा रहे हैं, और साथ में ये देखा जा रहा है किसी बच्चे के पास नकल संबंधी कोई सामग्री ना हो, और उसके बाद जो है बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। पर जो ये ला रहे हैं ट्रांसपेरेंट पैकेट ला रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट पैकेट में कुछ ऐसी सामग्री ना हो जो कि नकल के रूप में इस्तेमाल हो, तो वो अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत। कितने बजे एंट्री हुई है? ये एंट्री 7:30 बजे से शुरू हो गई है। अच्छा, कैसी सुविधा है प्रशासन को लेकर? प्रशासन की भी व्यवस्था पूरी, स्ट्रांग रूम भी यहाँ बना हुआ है, तो पुलिस 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है? खुशबू सिंह। अच्छा, सब्जेक्ट का पेपर देने आए हो? क्लास में हो? हिंदी का, हाई स्कूल में। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी है। एग्जाम में पता है अगर नकल करोगी तो NSA जैसा कानून लागू कर दिया है सरकार ने? हम नकल नहीं करेंगे, नकल की कोई उम्मीद ही नहीं है, खुद से तैयारी की है। अमेठी जिले में 91 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। बता दें कि जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, वहीं नकल विहीन परीक्षा का सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 17 सेक्टरों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। वहीं बता दें कि जिले में 51 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल में 28,691 और साथ ही इंटरमीडिएट की 23,091 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में BJP लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस चुकी है। जहां नकल हुए वहां कार्रवाई करने के सरकार के निर्देश के बाद से जिला प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा है। महाराजगंज जिले में कुल 115 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 75,377 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें हाई स्कूल के बता दें कि 43,983 परीक्षार्थी हैं, और साथ ही इंटरमीडिएट के 31,394 परीक्षार्थी शामिल है। परीक्षा में कुल 5 जोन, 16 सेक्टर और साथ ही 110 स्टेट मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वही बता दें कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए बता दें कि तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, साथ ही CCTV कैमरे के द्वारा अब परीक्षार्थियों पर नजर रखी जाएगी। और श्रावस्ती में आज से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं को लेकर जिले में बता दें कि 43 परीक्षा केंद्रों पर 21,515 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर उड़ान और साथ ही संचल दल की निगरानी रहेगी। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आएंगे। कासगंज में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो जाएगी, जिसके चलते कासगंज जनपद में बता दें कि 69 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। साथ ही जनपद में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में बता दें कि 42,497 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं DMSP के अलावा 6 संचल दल केंद्रों पर छापेमारी की करेंगे। देखिए, आगामी बोर्ड परीक्षा को अच्छी तरह से नकल विहीन तरीके से और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए जनपद में समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। कुल 69 केंद्र हैं और समस्त क्षेत्र को हम लोगों के द्वारा सेक्टर्स और जोन्स में बांटते हुए लोगों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। विभिन्न विभाग जो हैं और जो हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट है, चाहे वह केंद्र व्यवस्था की ड्यूटी हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, विद्युत परिवहन और समस्त जो हमारे इस परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, उनके संबंध में बैठक ली गई और समस्त निर्देश दे दिए।
झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत अवैध तरीके से अवैध बता दे कि खनन में लिप्त दो गाड़ियों को आज आरटीओ झांसी ने पकड़कर कार्रवाई की है। बता दे कि पकड़ी गई गाड़ियों को कोतवाली गरोठा लाकर खड़ा किया गया है। प्रथम दृश्यता दोनों ही गाड़ी ओवरलोड पाई गई है। वहीं एक गाड़ी में बालू और दूसरी गाड़ी में गिट्टी भरी हुई थी। बालू भरी हुई गाड़ी में बिना कागजात की पाई गई है। वहीं गाड़ी का मालिक निरंतर ओवरलोड गाड़ियां चलाकर शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंकता नजर आ रहा है। खबरें प्रकाशित में होने के बाद से आरटीओ झांसी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब खबर रायबरेली से है, जहां पर अवैध असलहे के बता दें कि साथ ही डांस करने का वीडियो सामने आया है और ये वीडियो जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गूठा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। बदायूं जिले अस्पताल में डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पताल का प्रचार कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर एसपी सिंह अस्पताल में आए मरीजों को अपने निजी अस्पताल में कार्ड बांटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन के बता दें कि सीएमएस और युवा मंच संगठन के अध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता के बीच नोकझोंक भी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बदायूं जिला अस्पताल का है, जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिला पुलिस बता दें कि जिला पुरुष अस्पताल में एक वृत्त बुजुर्ग महिला विगत कई महीने से अस्पताल प्रांगण में जमीन पर लेटी हुई थी, जिसके सर पर घाव था, जिसका इलाज करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार तक नहीं था। जब इसकी जानकारी डॉक्टर कप्तान सिंह को दी गई तो लावारिस महिला को भर्ती करने से मना कर दिया गया। जिलाधिकारी और साथ ही CHS के सूचना करने पर बावजूद भी लावारिस महिला को भर्ती नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर बात अगर की जाए जिला अस्पताल के सरकारी डॉक्टर डॉक्टर एसपी सिंह की, तो यहां पर एक मरीज को देखने वे पहुंचते हैं और साथ ही डॉक्टर एसपी सिंह उस मरीज को एक्सरे करने का दोबारा दिखाने की बात कहते हैं। जब वे मरीज एक्सरे रिपोर्ट लेकर दोबारा उनके पास पहुँचता है तो डॉक्टर उन्हें अपने प्राइवेट अस्पताल का कार्ड थमा देते हैं और प्राइवेट क्लिनिक पर मिलने को कहते हैं। दवा लेने आ गए जिला। अच्छा, फिर डॉक्टर से मिला है किसी से? ठीक है, उन्होंने ये कहा, मतलब एक्स्ट्रा लिख दिया, बोले एक्स्ट्रा करा लो, एक्स्ट्रा कराने के बाद कल लाना तो मैं आपको दवा देता हूँ। फिर मैं दोबारा में गया तो मैं बोला एक्स्ट्रा तो कल मिलेगा, मुझे दवा दे दो, तो बोले कल ही आना। इसके बावजूद फिर मुझे अपना कार्ड दे दिया, बोले वहाँ लागला चौक पे आना मेरे पास, बस दिन में आपकी बीमारी खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो प्राइवेट में मिलने के लिए बुलाया उन्होंने? प्राइवेट में मुलाकात मिलने के लिए। बदायूं जिला अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है उसमें कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, जैसे ये एसपी सिंह जी हैं, इन्होंने इस मरीज के लिए प्राइवेट में मिलने की बात कही है। ये गलत है, सरासर गलत है। सरकारी डॉक्टर सरकारी मरीज से सरकारी अस्पताल में आकर अगर दवाई लेने आता है तो कोई भी डॉक्टर प्राइवेट में बुलाकर उसका इलाज करने की बात नहीं कह सकता। ये सरासर एक गरीब और एक गरीब मरीज के साथ अन्याय है। युवा मन संगठन इसका विरोध करता है। प्राइवेट में डॉक्टरों को नहीं देखना चाहिए। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं आज महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटकते हुए ठोकर खाती हुई मजबूर नजर आ रही है। ताजा मामला रायबरेली के थाना डी क्षेत्र के गांव रोखा का रहने वाला है, जहां पर पीड़िता वसीमा बानो के साथ ये घटना घटी है, जिसकी शादी कुछ वर्ष पहले ही अमेठी जनपद के बता दें कि फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के फुर्सतगंज कस्बे के वसीम नाम के एक युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वसीम और उनके परिवार के साथ उनके साथ मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ ही भारी भरकम दहेज की डिमांड करने लगे। जब इसकी शिकायत उसने संबंध थाना फुर्सतगंज में दी है तो वहां पर ससुराल पक्ष के लोगों ने थाना प्रभारी से मिलकर जबरदस्ती सुलहनामा लिखवा लिया और उसके बाद से उसे वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद से पीड़िता अपने मायके में रह रही है और घर वालों को पूरा वाकया बताया गया है। साथ ही बता दें कि जिसके बाद से आज पीड़िता पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक प्रियदर्शी से मिलकर न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई। शादी हुई जब से मारने पीटने और 5 लाख रुपए कैश। किसके साथ शादी हुई है? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या बोलते हैं? बोलते 5 लाख कैश लेके आओ और 4 व्हीलर लेके आओ। और
एप्लीकेशन दे दूँ। अब क्या बोलते हैं कि जो है अपने माँ बहन के कहने पे मारते हैं कि सब लेके आओ, नहीं तो फिर जो है हम तुमको रखेंगे नहीं रखेंगे, और तुम रखेल बन के रहो, ये बन के रहो, तुम गुलाम हो, ये सब बोलते हैं। अलीगढ़ के थाना दहली गेट क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में चोरों के द्वारा शादी के घर को चोरी के वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि दरअसल चोरों के द्वारा घर में रखी लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए की जेवरात लेकर चोर मौके से फरार हो रहे थे, और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पूरा मामला की जानकारी मिलते ही मकान स्वामी सुरेश कुमार ने बताया है कि उसके घर में शादी थी और घर में सभी लोग गेस्ट हाउस में गए हुए थे। घर में उसकी पत्नी और अन्य एक रिश्तेदार महिला मौजूद थी। वहीं उसका बेटा अपने दोस्त के साथ कपड़े बदलने आया था। इसी दौरान खटपट की आवाज़ सुनकर घर में मौजूद महिलाओं ने इधर उधर देखा तो देखा कि चोर घर में रखी जेवरात लेकर भाग रहा है। चीख पुकार करने के बाद उसने घर के अंदर लोगों के मौके पर एकत्र हो गए, और इसके बाद से मौके पर भागने की फिराक में जो चोर था उसे दबोच लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लेकिन इस तरीके की अलीगढ़ में और भी पहले वारदात सामने आ चुकी है, चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन मौन नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।